तैयारी की जिसने तहलका मचाया हुआ है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया में दहशत का माहौल अब बना हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से एक शख्स महाराष्ट्र लौटा है जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि उस शख्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उस शख्स को फिर भी आइसोलेशन में भेजा गया है और अलर्ट देखिए लगातार जारी है। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार ने भी कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। 12 देशों की लिस्ट तैयार की गई है। 1 दिसंबर से ये नए नियम जो है वो अब लागू होंगे। बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं आपको कोरोना से जुड़ी हुई। हालांकि जिस वेरिएंट का हम जिक्र कर रहे हैं, ओमिक्रॉन जिसका नाम बताया जा रहा है, भारत में उसके मामले अभी निकलकर उतने सामने नहीं आए हैं। विदेशों में खासकर की दक्षिण अफ्रीका में इसने तहलका मचाया हुआ है, लेकिन इसकी वजह से पूरे विश्व में दहशत का माहौल बना हुआ है। ओमिक्रॉन को लेकर अगर हम बात करेंगे या दक्षिण अफ्रीका को लेकर जिक्र करें, तो एक शख्स वहां से हाल ही में वापस लौटा है जिसकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हालांकि उस शख्स की रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई है उसमें इस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उस शख्स को अभी भी आइसोलेशन में रखा गया है, अलर्ट लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल खुद तमाम अधिकारियों संग बैठक की है और साथ ही आपको बता दें कि अब सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी की है। क्या क्या वो गाइडलाइंस है वो भी आपको हम लगातार बताएंगे, लेकिन 12 देशों की एक लिस्ट तैयार की गई है। ये वो देश है जहां से आने वाले लोगों पर केंद्र सरकार द्वारा जो अभी गाइडलाइंस जारी की गई है वो लागू होगी। 1 दिसंबर से ये नियम उन लोगों पर लागू होंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया में दहशत का माहौल जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब जरा हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण क्या क्या होते हैं। पहले समझिए, बिना लक्षण वाले मरीज इसमें निकलकर सामने आते हैं। इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द रहता है, ये एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा 1-2 दिन के लिए थकान जो है वो महसूस होती है और खास करके लग सकता है कि गले में दर्द उस इंसान को होगा और सरदर्द भी रहेगा। ये वो तमाम वेरिएंट के लक्षण हैं जो हम आपको बता रहे हैं। सांस लेने में दिक्कतों का सामना उस इंसान को करना पड़ सकता है, उसके सीने में दर्द हो सकता है। लक्षणों में ये तमाम बातें शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार ही अब केंद्र सरकार ने जो तमाम गाइडलाइंस जारी की है, अब सतर्कता भी काफी देखी जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हैदर अली हमारे साथ संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। हैदर से तमाम अपडेट्स इस पे ले लेते हैं। हैदर, ओमिक्रॉन नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में तहलका मचा रखा है, विश्व भर में दहशत है, भारत की क्या तैयारी है? बिल्कुल, आप पूजा देखिए, भारत सरकार लगातार इसको लेकर कई बैठकें कर चुकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद एक बैठक की है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की है और एक बकायदा उनको खत भी लिखा है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि जितनी भी पाबंदी हम कोरोना को लेकर लगा सकते हैं वो अब वक्त आ गया, आप लगाएं। क्योंकि भारत में जब दूसरी लहर आई थी उस दौरान डेल्टा वेरिएंट जो था वो सबसे ज्यादा भारत में देखा गया था, लेकिन ये ओमिक्रॉन डेल्टा प्लस से भी 6% ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। और शुरुआती लक्षण जो इसके पाए गए हैं, जो साउथ अफ्रीका के एक डॉक्टर ने जिनका खुलासा किया एक मीडिया हाउस के सामने, उसने कहा है कि बहुत कम लक्षण देखने को मिले हैं शुरुआत में, तो लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा और वो ओमिक्रॉन का शिकार हो सकते हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि भारत में इसका अभी एक भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन तैयारियां जरूरी है। उसी को लेकर भारत सरकार ने लगातार जो 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट चालू करने का फैसला लिया था उसको दोबारा से पुनर्विचार करने को कहा है और कहा है कि इस पर एक बार मंथन अब जरूरी है, क्योंकि तकरीबन 12 देश कल तक ऐसे थे जहां ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन पिछले 24 घंटे में ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और जर्मनी में भी ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। अब संख्या 15 हो गई है और ऐसे में भारत सरकार चाहती है कि कोई भी विदेशी नागरिक यहाँ या जो इंडिया के लोग बाहर रहते हैं वो ऐसे यहाँ ना आए जो ओमिक्रॉन के सिम्टम्स लेकर यहाँ जाए। इसी कड़ी में एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग, आरटीपीसीआर कंपलसरी कर दी गई है। जिन लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आएगी उनको भी 7 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा, जिनकी पॉजिटिव आएगी उनको 15 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा, उसके अलावा फिर से टेस्ट किए जाएंगे तभी उनको घर वापस भेजा जाएगा। सभी जितनी भी फ्लाइट्स हैं सभी को ये आगाह कर दिया गया है कि आरटीपीसीआर अब कंपलसरी है, बिना आरटीपीसीआर के कोई भी यात्री यात्रा ना करे। हालांकि पहले भी ये कंपलसरी था लेकिन अब उसका दायरा और बढ़ा दिया गया है। अगर हम राज्यों की बातें करें, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि
जितने भी जिले हैं राज्यों के अंदर सभी जगह स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाएंगी, एयरपोर्ट पर मॉनिटरिंग होगी, जिला अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है और जो स्वास्थ्य विभाग है जिले का उसको कहा गया है कि आप अब सैंपलिंग पर ध्यान दें, कोरोना की ज्यादा से ज्यादा जांच कराएं। इसके अलावा जिन लोगों के वैक्सीन नहीं लगी है उनसे लगातार ये अपील करें कि वो वैक्सीन लगाएं। हालांकि शुरुआती लेकिन देखिए जब हम वेरिएंट की इस बात कर रहे हैं, इस वेरिएंट के बारे में अगर हम बात करें, हैदर जरा ये समझाइए एक्सपर्ट्स की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है, इवन दो लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवा दी हो, वैक्सीनेटेड हो, क्या तब भी वो उन पर असर करेगा? एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस पे? बिल्कुल, अगर हम देखें रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उनका ही एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ओमिक्रॉन इतना खतरनाक है जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई है उन लोगों पर भी कोई ये असर कर सकता है, वो वैक्सीन काम नहीं करेगी। इसकी एक वजह है क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर जिन लोगों में ओमिक्रॉन पाया गया था, जब उन पर एंटीबॉडीज थेरेपी की गई तो उसका कुछ असर नजर नहीं आया, क्योंकि हमने देखा है कि एंटीबॉडीज थेरेपी ने जब डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट आया था तो उस पर कारगर साबित हुई थी, लेकिन ओमिक्रॉन के जो पेशेंट मिले उन पर जब एंटीबॉडीज थेरेपी साउथ अफ्रीका के अंदर की गई तो ये तो एक तरीके से देखा जाए तो ओमिक्रॉन जो ये नया वेरिएंट है इसको बहुत खतरनाक हैदर बना देता है। तो क्या बूस्टर डोज की अब शुरुआत करने में